सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को फ्रेंड्स, और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी समय पर मिल सके फ्रेंड्स। और बताते चले, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं देने होते, इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो इसमें जो है ना विड्रॉल आपको बाइनेंस से करना है, और डिपॉजिट आप हॉटबिट हो या कोई भी हो, जहाँ पर IOTX है ना, जो रजिस्टर है जहाँ पे IOTX में सेल परचेज कर सकते हैं आप, वहाँ पर इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपने IOTX सबमिट करने के बाद वहाँ USDT में सेल कर देने हैं। जो है ना फंड ट्रांसफ़र करने के लिए कैसे करना, जो ये हॉटबिट है, जो आपकी एप्लीकेशन है हॉटबिट, इस पर आपने जाना है आप। ये तो सिंपल है, मैं बता देता हूँ फिर भी। हॉटबिट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है फंड में चले जाना है। इसमें जो फंड में चले जाएंगे आप, यहाँ पर नीचे जो फंड है इसमें चले जाएंगे आप। तो उसके बाद क्या होगा, आपको फंड में चले जाना। तो यहाँ पर जो है ये मेरे से अभी वो मांग रहा है, ये मैंने वो कर दिया, ठीक है। तो आपको इस ऑप्शन में जाना है डिपॉजिट में। जब आप डिपॉजिट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर फिर ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ डिपॉजिट में जाएंगे। तो अब यहाँ आप डिपॉजिट में जाइए, तो डिपॉजिट में जाएंगे तो अगर आपने वेरिफिकेशन कर रखा है तो ठीक है, अदरवाइज जो है आपको ये ऑप्शन मांगेगा कि आप गूगल वेरीफाई कीजिए या मोबाइल वेरीफाई कीजिए। तो मैं एक बार मोबाइल वेरीफाई कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखो अब आपने यहाँ डिपॉजिट पर जाएंगे तो डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल वेरीफिकेशन हो रखा होता तो आप इसमें ये ऑप्शन आ जाएगा। तो अब आपने ऊपर जो है सर्च बार में चले जाना है, जो यहाँ पर ये सर्च बार है इसमें चले जाना। इसमें आपने लिखना IOTX, जैसे आप IOTX लिख देते हैं तो यहाँ पर ये IOTX नेटवर्क आ जाएगा। तो IOTX नेटवर्क आ गया तो यहाँ पर आपने कंफर्म कर देना, और उसके बाद जो है आपने ये इस तरीके से नेटवर्क IOTX सेलेक्ट करना है ना, और आपने ये जो है कॉपी कर लेना है, ये वाला एड्रेस कॉपी कर लेना है। और ये आपने बाइनेंस पर जाकर जो वहाँ पे विड्रॉल करना है तो वहाँ पर ये एड्रेस डाल देना है। तो अब हम यहाँ से जो है बाइनेंस ऐप पर चले जाएंगे, और बाइनेंस ऐप पर जाकर हम विड्रॉल में सेम तरीके से IOTX को ढूंढेंगे, और IOTX में जो है हम ये एड्रेस डाल देंगे जो हमने हॉटबिट से लिया है, और हम जो नेटवर्क IOTX ही सेलेक्ट करेंगे, और हम यहाँ पर अमाउंट भी डाल देंगे, और अमाउंट डालने के बाद जो है हम यहाँ पर विड्रॉल कर देंगे और रिक्वेस्ट हमारी सबमिट हो जाएगी। तो हमने इसको मोबाइल नंबर से अप्रूव कर देना है, और जो भी जिस भी तरीके से हमें अप्रूव करना होता है बाइनेंस पर हम अप्रूव कर देंगे। तो ये सिस्टम प्रोसेसिंग करने लगेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा सिस्टम प्रोसेसिंग में। तो इसके बाद चलिए हम अब चेक कर लेते हैं हॉटबिट पर। तो हॉटबिट पर हम जब हिस्ट्री में भी जाएंगे तो यहाँ पर डिपॉजिट में जो है अभी ये दिखाने लगेगा प्रोसेसिंग में हो रहा है, और जैसे ही ये जो हमारा सबमिट हो जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा, हमारा IOTX जो है ये हमारा वैलेट भी अपडेट हो जाएगा हॉटबिट में। तो इस तरीके से आप अपना किसी भी हॉटबिट में हो, बिटमार्ट में हो, या फिर जो है आपका ZT ग्लोबल एक्सचेंज हो, आपका जो है Gate.io एक्सचेंज हो, जिस भी एक्सचेंज में आप फंड लेके जाना चाहें आप लेकर जा सकते हैं। और IOTX जो है आप इस तरीके से IOTX में जाकर आप अपने जो फंड को सेल करके आप उसे USDT में कन्वर्ट कर लीजिए, और फिर आप USDT से आप परचेज भी कर पाएंगे जो भी आपको कॉइन परचेज करने हैं। तो ये बहुत बेहतरीन तरीका है, इससे मात्र 2 रुपये में आप जो है अपने फंड को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। सो ये क्योंकि आप अगर USDT ट्रांसफ़र करेंगे तो USDT में आपका 1 USDT लगने वाला है, लेकिन अगर आप IOTX से आप फंड ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको 0.1 IOTX लगने वाला है। यानी कि अगर आपका उस समय पे 20 रुपये रेट है तो 2 रुपये ही आपका मात्र IOTX से खर्चा होने वाला है। तो ये सबसे बेस्ट ट्रिक मैंने देखी है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे ज़रूर, और इस वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।